कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये काला धन वापस आना चाहिए, ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए, इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है, ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। देश में काले धन को लेकर आंदोलन तो खूब हुए, बातें और दावे भी खूब किए गए, विदेश का काला धन वापस आ जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सारी बातें आपने सुनी। लेकिन काले धन के कुबेर केवल विदेश में नहीं, देश में भी कम नहीं है। ये 6.5 करोड़ कैश यूपी के हमीरपुर के एक गुटखा व्यापारी के बेड के अंदर से मिला है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि घर के कोने कोने में कैश छुपाने के कई अड्डे हैं। ऐसा एक अड्डा रसोई में भी मिला है। यूपी के हमीरपुर में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने सुमेरपुर के दयाल पान मसाला के निर्माता जगत गुप्ता के घर पर छापा मारा तो टीम को इतना कैश मिला जिसे 3 बक्सों में भरकर टीम को अपने साथ ले जाना पड़ा। खबर है कि छापेमारी में टीम को करीब 6.5 करोड़ से ज्यादा का कैश बेड के अंदर छुपा हुआ मिला। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बाद में नोट गिनने की 3 मशीनें भी मंगवानी पड़ गई। खबरों के मुताबिक रेड के दौरान बड़ी तादाद में जेवर भी मिले हैं, साथ ही 15 क्विंटल से ज्यादा सुपारी, 6 बोरे तंबाकू, 95 किलोग्राम पैकिंग रोल और तैयार 13,700 पाउच सुपारी, 38,000 पाउच तंबाकू भी जब्त हुआ है जो कि अवैध है और इसकी कीमत है 80 लाख रुपए। इसके साथ साथ 1 लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन, कुछ जरूरी दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। छापेमारी के बाद गुटखा कारोबारी अंडरग्राउंड हो चुके हैं, तो क्या उनको पहले से जानकारी थी कि छापेमारी होने वाली है? लोग बताते हैं कि हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे के पुरानी गल्ला मंडी में रहने वाले जगत बाबू गुप्ता 21 साल पहले गल्ला के कारोबार करते करते पूरी तरह से एक तरह बर्बाद हो चुके थे, तबाह हो चुके थे, दिवालिया हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने पार्टनरशिप में साल 2001 में गुटखा बनाने का कारखाना लगाया। कुछ ही समय में इस ब्रांड का गुटखा बुंदेलखंड के साथ ही कानपुर, फतेहपुर और कानपुर देहात में ऐसा छाया कि गुटखे कारोबार से जगत बाबू गुप्ता की किस्मत चमक गई और आज उनके घर से नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। आप सोच कर देखिए, हमीरपुर जैसे जिले में अगर कोई करोड़ों रुपए अपने बेड में छुपाए हुए हैं तो देश के अंदर ना जाने कितने ऐसे धन्ना सेठ होंगे। विदेश से काला धन तो बाद में आएगा ना, घर में बैठे जो कारोबारी हैं, इस तरह के लोग हैं, इन पर कोई लगाम लगा ले तो वही बहुत बड़ा काम हो जाए। आपको लगता है कि ऐसा कभी कुछ हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आज़ाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की जरूरत है।